गौतम बुद्ध हमेशा ही सही समय पर प्रवचन देने पहुंच जाया करते थे। वो आज तक कभी देर से नहीं आए थे और ना ही उनकी वजह से आज तक किसी को इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शिष्यों को उनका इंतजार करते काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में नहीं पधारे थे। शिष्य आपस में बातें कर रहे थे कि जरूर आज तथागत बुद्ध को कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, वरना वो हमेशा ही समय पर आ जाते हैं। शिष्य ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक गौतम बुद्ध अपने हाथ में कमल का एक फूल लिए वहाँ आ पहुँचे और एक पेड़ के नीचे लगे आसन पर आकर बैठ गए। आश्रम में करीब 500 शिष्य थे जो उनका प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। इन 500 शिष्यों के अलावा आश्रम में एक और शिष्य भी था जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के बाकी शिष्य मानते थे कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वह कभी भी उनके साथ बैठकर बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुनता था। उसने आज तक कभी ध्यान भी नहीं किया था और ना ही कभी ध्यान करने का प्रयास ही किया था। वह बस पूरे दिन चुपचाप किसी पागल की तरह आश्रम के एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। ना ही उसके पास कोई बात करने आता और ना ही वो किसी से बात करता। जब उसका मन करता तो आसपास के गांवों में जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसे खाकर उसी पेड़ के नीचे फिर बैठ जाता। वो बस पूरे दिन आश्रम के पेड़ पौधे, आसपास बिखरे पत्ते, घास और आश्रम में आते जाते भिक्षुओं को ध्यान से देखता रहता। सभी का विश्वास था कि वो एक धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं का मानना था कि वो एक पागल और मूर्ख इंसान है जिसे कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। तो आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आकर आसन में बैठ गए। बैठते ही उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। शिष्य इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। वो बस उस कमल के फूल को ध्यान से देखते रहे। बुद्ध उस कमल के फूल को देखने में इतने खो गए, इतने ध्यान मग्न हो गए कि कब मिनट घंटों में बदल गए उन्हें पता ही नहीं चला। कई घंटे गुजर चुके थे लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस उस कमल के फूल को देखे जा रहे थे। अब वहाँ बैठे 500 शिष्यों के अंदर जोरों की बेचैनी मचने लगी। सभी इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। तभी अचानक वहाँ बैठे भिक्षुओं को पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज़ आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। महाकश्यप बुद्ध की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। इतने सालों में लोगों ने आज उसे पहली बार हंसते हुए देखा था। इससे पहले वो कभी ना हंसा था। वो भी इतनी अद्भुत हंसी, लग रहा था मानो सारा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा हो। उसकी भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी और वो बस हंसे जा रहा था। भिक्षुओं ने बुद्ध की तरफ देखा। वो अभी भी उस कमल के फूल को ही देख रहे थे और उनके आँखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। थोड़ी देर बाद महाकश्यप ने हंसना बंद कर दिया। उसके बाद बुद्ध ने अपनी नज़र कमल के फूल से हटाई और वहाँ बैठे भिक्षुओं की तरफ देखकर कहा, मैं जो कुछ भी तुम्हें शब्दों के माध्यम से दे सकता था मैंने वो सब तुम्हें पहले ही दे दिया है, लेकिन जो शब्दों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता वो मैंने महाकश्यप को दे दिया है। और यहाँ से शुरुआत होती है जैन की। जैन एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान सिखाया और फिर बौद्ध धर्म इस ध्यान को चाइना ले गए, जहाँ इसे जैन कहा जाने लगा। फिर चाइना से होते हुए ये जैन परंपरा जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गई। जैन आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब लेकिन अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा, कोई बंधन नहीं है। क्योंकि इस परंपरा का ना तो कोई निश्चित विज्ञान है, ना कोई शिक्षाएं, ना कोई ग्रंथ और ना ही कोई निश्चित अभ्यास करने की विधि। बस आपको अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है और इंतजार करना है, फिर यह घटना आज नहीं तो कल आपके अंदर घटी जाएगी। जैन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। इसमें बस आपको जागरूक होकर ये देखना होता है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, लेकिन आपको उन विचारों में उलझना नहीं है, बस उन्हें देखना है। एक विचार उठेगा और फिर वो अपने आप गायब भी हो जाएगा। बस आपको उन्हें पूरी जागरूकता के साथ देखते रहना है। जब आप मन में उठने वाले किसी एक विचार का निरीक्षण पूरी जागरूकता के साथ करते हैं और फिर जब वो विचार आपके मन से गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार के निरीक्षण के लिए तैयार होते हैं, तो आप पाएंगे कि दूसरा विचार
उतनी तेजी और जल्दी से नहीं उठा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन की भाग दौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है। और फिर एक ऐसी अवस्था भी आती है जब हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है, मन में कोई विचार नहीं होते। दो विचारों के बीच की यही विचारहीनता ही सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में इस विचारहीनता का समय ज़्यादा लंबा नहीं होता, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सेकेंड का ही होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे विचारहीनता का ये समय भी लंबा होता चला जाएगा, और ये समय जितना लंबा होगा उतना ही हम जिन को समझ पाएंगे, ध्यान को समझ पाएंगे, और उतना ही हम खुद के और करीब होते चले जाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।